हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने बोला था, ये है आपका पार्ट थ्री। किसका पार्ट थ्री? पार्ट थ्री, चैप्टर 12, क्लास 10, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग पार्ट थ्री में हम क्या पढ़ने वाले थे? पार्ट थ्री में हम पढ़ने वाले थे क्या? रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। जिसमें से ये तीनों ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखना, आपको इन तीनों के ऊपर खास ध्यान देना है। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोलो, ओम्स लॉ बोलो, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस बोलो, तीनों आपस में मिले जुले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ क्या है? स्टार्ट हम किससे करेंगे? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ के बाद हम जाएंगे रेजिस्टेंस पे, और उसके बाद जाएंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनते रहना, आराम से बैठ के। सबसे पहली बात, ओम्स लॉ कहता क्या है? ओम्स लॉ कहता है भी कि अगर कोई एक सर्किट है, सपोज करो ये मेरा एक सर्किट है। सर्किट में मैंने सबसे पहले क्या लगा दी? मैंने सर्किट में लगा दी सबसे पहले एक बैटरी। ठीक है, बैटरी में कितने सेल होते हैं? दो या दो से ज्यादा। अगर सेल है तो वो क्या होती है? बैटरी होती है। यहाँ पर दो सेल है तो ये क्या है? बैटरी है। यहाँ पे मैंने लगा दिया कि अगर ये अभी यहाँ पर नहीं है तो क्या ये ऑफ है, और यहाँ पर डॉट है तो क्या ये ऑन है। ठीक है, ये मैंने की लगाई, और मैंने क्या लगाया? मैंने लगाया एक बल्ब। ठीक है, मैंने क्या लगाया? बल्ब लगाया। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? एमीटर एंड वोल्टमीटर। जैसा कि हमने बात करी थी, इन दोनों के बारे में पता तो था कि ये काम क्या करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये काम कैसे करते हैं। तो हम इन दोनों का यूज समझेंगे यहां पे पहले। तो एमीटर जो है उसका यूज कैसे करना है, यहां पे आपको दिखाता हूं मैं आपको। देखो, तो एमीटर जो है, एमीटर क्या है? एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जिसका यूज किसके होता है? टू मेजर करंट। ठीक है, टू मेजर करंट। अब करंट को अगर मेजर करना है, क्या करना है? करंट को मेजर करना है। करंट क्या है? फ्लो है। एक क्या है? फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। अब जब भी आप किसी के फ्लो को मेजर करते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको करना पड़ता है उसके रास्ते में कोई चीज रखनी पड़ती है, और देखना पड़ता है कितना उस चीज के ऊपर फोर्स लगाई जा रही है। जैसे कि मैं बताऊं, अगर आपको नदी का फ्लो मेजर करना है कि नदी कितनी तेजी से बह रही है, तो आप क्या करोगे? आप नदी के अंदर अपना हाथ डालोगे। ठीक है, आपने नदी के अंदर अपना हाथ डाला, तो आपके हाथ पे अगर नदी स्लो बह रही होगी तो आपके हाथ पे थोड़ी कम फोर्स लगेगी, अगर नदी बहुत फास्ट बह रही होगी तो आपके हाथ पे काफी ज्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है, तो आपको उससे पता लग जाएगा नदी का फ्लो ज्यादा है कम है। तो अगर करंट का फ्लो मेजर करना है, करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट को अगर मेजर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? रास्ते में क्या लगा देना पड़ेगा? एमीटर लगा दो। जैसे हमने रास्ते में अपना हाथ लगाया, तो यहाँ पे हाथ तो लगा नहीं सकते, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? एमीटर लगाएंगे। एमीटर कैसे लगाएंगे? देखो, अगर आपको इस सर्किट में, इस पूरे सर्किट में करंट का फ्लो मेजर करना है कि करंट कितना, आप क्या करोगे? कहीं से भी एक वायर को काटोगे और यहां पे क्या लगा दोगे? एमीटर लगा दो। ठीक है, और याद रखना, ये पूरी की पूरी वायर जो है, पूरी की पूरी वायर में करंट क्या होगा? सेम होगा भाई, जो यहाँ पे फ्लो आएगा करंट का वो यहाँ पे आएगा। तो एक सिंगल वायर में, एक सिंगल वायर में जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है? सेम होती है। ठीक है जी, तो ये तो बात है हमारी एमीटर की। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस।
यहाँ से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये क्या मेजर करेगा, डिफरेंस मेजर करेगा। डिफरेंस के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए होते हैं, तो आपको जिन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है, तो आप क्या करो उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दो। समझ पा रहे हो बात को? तो वोल्ट मीटर का सिंबल था भाई ये वोल्ट मीटर, और यहां से निकलती है दो वायर, दो इसके टांगे। अब जहां भी आपको जिन दोनों पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, आप क्या करो उन दोनों पॉइंट का वो लगा दो, वोल्ट मीटर लगा दो। जैसे कि आपको पता हो, अगर मैं आपसे बोलूं ये क्या आपका आपके घर का एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट, ठीक है, तो अगर आपको अपने घर में क्या मेजर करनी है, कितनी वोल्टेज आ रही है, तो आप क्या करोगे एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस लाओगे वोल्ट मीटर, उसकी दो टांगे निकली होंगी इस तरीके से, ठीक है, और उनको आप क्या करोगे एक इसमें एक इसमें डाल दोगे, और फिर आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा। तो मीनिंग क्या है, जिन भी दो पॉइंट के अक्रॉस आपको वोल्टेज मेजर करना होता है, आपको वोल्ट मीटर उसके अक्रॉस लगा दो, सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं ये एक इंसान है, ठीक है, आपको इसकी हाइट मेजर करनी है, तो आप क्या करते हो, जो आपका मेजरिंग टेप होता है उसका लोअर पार्ट यहां पर रखते हो, अपर पार्ट यहां पर रखते हो, जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, उसका हाइट होती है। सिमिलरली जब आप वोल्ट मीटर यूज करते हो, तो एक पॉइंट इनिशियल पे एक पॉइंट फाइनल पे लगा दिया, आपको हाइट मिल गई, आपको यहाँ पे वोल्टेज मिल गया, तो लगाते कैसे हैं वो, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर का काम क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। तो सपोज करो यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें करना है, अगर मैं आपसे बोलूं इस बल्ब के अक्रॉस, इस बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर बल्ब में कितनी वोल्टेज जा रही है, तब क्या करोगे एक वोल्ट मीटर लाओगे, उसकी दो टांगे निकली होंगी। अगर मुझे बल्ब के अक्रॉस मेजर करना है, मैं क्या करूंगा एक पार्ट इसका इसमें डालूंगा और दूसरा पार्ट यहाँ पे इसका इसमें कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। याद रखना कि वोल्ट मीटर में ना एक वो होता है, सिंबल लगे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है उसको आपको कोशिश करनी है कि पॉजिटिव वाले से मैच हो, और नेगेटिव वाला पार्ट किससे मैच हो, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। ये क्या बन गया, हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। अब यहां पे अगर मैं क्या करूं एक एरो लगा देता हूं, एरो इसका मीनिंग क्या है, वेरिएबल वोल्टेज, जहां कहीं भी आपको एरो दिख जाए तो उसका मीनिंग होता है वेरिएबल वोल्टेज। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा घर में आपके एक नॉब होती है इस तरीके से, आप नॉब को 0 पे कर दो लो वोल्टेज जाएगा, नॉब को आप ऊपर कर दो इस तरीके से, पहले जो स्टेबलाइजर आते थे उसमें ऐसा होता था, आप बढ़ा दो तो आप क्या हो जाएगा, वो वोल्टेज बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम ओम्स लॉ पे, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है द करेंट फ्लो इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, क्या चीज, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, अब आपके नोट्स में थोड़ी अलग डेफिनेशन लिखी हुई है, द करंट फ्लोइंग एनी कंडक्टर, मैंने सर्किट बोल दिया, ठीक, कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे, सब चीज में करंट फ्लोइंग एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द इनपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल पर जहां पर आपको इनपुट है, वहां पर अगर आपने एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है, तो जो सर्किट में जो करंट होगा, करंट की रीडिंग कौन दे रहा है, करंट की रीडिंग दे रहा है आपका एमीटर,
ठीक है, करंट की रीडिंग कौन दे रहा है? मीटर दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान सुनना कि अगर आप इस वेरिएबल वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट घर में बढ़ता जाएगा, सर्किट में करंट बढ़ेगा। ये कैसे हो रहा है अभी? ये कुछ ऐसे हो रहा है, वोल्टेज और करंट आपस में इंटररिलेट करते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? यहां पर उन्होंने देखा कि उन्होंने एक तरफ तो वोल्टेज बढ़ाया, उनको नहीं पता था कुछ, उन्होंने एक तरफ क्या करा, वोल्टेज बढ़ाया और एमीटर की रीडिंग देखी। जब वो वोल्टेज बढ़ाए जा रहे थे तो वो देख रहे थे कि करंट बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे उन्होंने वोल्टेज बढ़ाया उन्होंने करंट बढ़ गया, जैसे वोल्टेज बढ़ाया उन्होंने करंट बढ़ गया। ठीक है, अगर करंट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है उसका मीनिंग क्या है? तो करंट एक्सपेरिमेंट में क्या मिला होना है, करंट है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। इनपुट पे क्या दिया हमने? वोल्टेज, और मिला क्या हमें? करंट। तो जब भी ऐसा होता है तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का सिंबल। तो इनपुट पे वोल्टेज, आउटपुट पे करंट, तो वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम हो रहा है करंट कम हो रहा है। तो ये क्या है आपका? ओम्स लॉ। ये क्या आपका? ओम्स लॉ। ठीक है, कहीं कहीं बुकों में ये लिखा होता है। ठीक है, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअल ओम्स लॉ क्या है? ये समझ पा रहे मेरी बात को? जहां पे आई आउटपुट है, इनपुट क्या है? वोल्टेज। आपने इनपुट में वोल्टेज दिया है ना, और इसको हम बाद में ऐसे लिख देते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये क्या हुआ अभी हमारा? ओम्स लॉ। अब इस ओम्स लॉ को, ये ओम्स लॉ जो है अभी वो किसके सिंबल में? प्रोपोर्शनल के सिंबल में। उसको हमने बोलते हैं इस तरीके से, वी डाइपोर्शनल टू आई। और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने बोला आर, आर इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट फॉर गिवन सर्किट। गिवन सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस आर होगा उससे हमें सर्किट से ना आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और इन्होंने आर को क्या नाम दिया? आर को नाम दिया रेजिस्टेंस। ठीक है, आर क्या है? मेरा रेजिस्टेंस है। तो वोल्टेज इज इक्वल टू आर आई, या फिर हम बोल सकते हैं वी इज इक्वल टू आई आर। आप कुछ भी हो जाए पूरी लाइफ में, जब तक आप साइंस पढ़ोगे या ना भी पढ़ो, आप इस फॉर्मूले को मत भूलो। सबसे एलिमेंट्री फॉर्मूला है ये, किसका? क्लास 10 का। क्या? V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहां पे आप ध्यान से, ये जो फॉर्मूला है ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर एक सर्किट है हमारा, पहले से पहले रेजिस्टेंस के बारे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या? ठीक है, ये हुआ ओम्स लॉ। अगला स्टेप क्या था हमारा? रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मिल गया हमें। अब हम इस रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की, हर मटेरियल की। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से होता क्या है? इस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी कंडक्टर क्या करता है? करंट का फ्लो को रजिस्ट करता है। क्या करता है? करंट के फ्लो को रजिस्ट करता है। अब वो रजिस्ट करेगा कैसे? ध्यान देखना मेरी बात को। अगर सपोज करो ये क्या है? मेरा एक वायर है। ठीक है, वायर में क्या होता है? एटम्स होते हैं। एटम के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव न्यूक्लियस या फिर आयन। ये क्या है? आयन से या फिर न्यूक्लियस है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और क्या होंगे एटम में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हैं इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ध्यान सुनना मेरी बात को।
ये क्या है मेरा अगर रजिस्टर है, क्या ये रजिस्टर, और इसको मैंने किसके करंट पे लगा दिया, इसको मैंने लगा दिया एक बैटरी के अक्रॉस, ठीक है एक बैटरी है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे मूव करेंगे, और जो न्यूक्लियस से जो आयन है, आयन क्या होता है आपको पता है कि जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, जो न्यूक्लियस होता है काफी हैवी होता है, तो प्रोटॉन मूव नहीं करता, सिर्फ मूव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ, तो रास्ते में कौन आएगा, उनके रास्ते में आएंगे उनके एटम के न्यूक्लियस, जिनसे वो टकराएंगे। और टकराने से क्या होता है, टकराने से होता है ये कि इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो जाती है कम, ठीक है। भाई आपके सामने अगर एक हाईवे और आपके पास एक बाइक है, बिल्कुल सुपर बाइक जो होती है जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो आप बहुत तेज चलाओगे, लेकिन अगर वही अगर रास्ते में भीड़ आ जाए तो क्या होगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। सेम चीज यहाँ पे, जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें क्या है, हर कंडक्टर में होता है बेसिकली तो, कि इलेक्ट्रॉन एटम दोनों है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो रास्ते में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, आयन, ठीक है। अब वो तो काफी हैवी चीज है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या होता है, वो टकराते हैं, किससे टकराएंगे, न्यूक्लियस से टकराएंगे, आयन से टकराएंगे, और साथ साथ कभी कभी खुद से भी टकरा जाते हैं। देखते हैं ना आप रोड पे एक्सीडेंट क्या होता है, दो बाइक टकरा गई आपस में, दो बाइक मतलब दो इलेक्ट्रॉन टकरा गए आपस में, ठीक है। तो ये जो कोलिजन है, इस कोलिजन की वजह से क्या होता है, क्या क्रिएट होता है आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, कंडक्टर की, क्या है रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है, वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है। करंट के फ्लो का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो, इलेक्ट्रॉन मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आयन्स है एटम में, न्यूक्लियस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो आपस में टकरा रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, करंट का फ्लो कम हो रहा है, और उसी को हम बोलते हैं, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, इसी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, और यू कैन से मटेरियल, किसी भी कंडक्टर या मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण, ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स करंट, ठीक है। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल रेजिस्टेंस की वो प्रॉपर्टी, मटेरियल या कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी इसके कारण क्या करता है, वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस बोल, रेजिस्टेंस उसकी उस प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो रेजिस्टेंस के हिसाब पे मटेरियल को डिस्क्राइब करा गया तीन पार्ट में, तीन तरह के मटेरियल होते हैं, टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। पहला टाइप होता है कंडक्टर, कंडक्टर क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, लो रेजिस्टेंस कंडक्टर क्या होता है, कॉपर आयरन इस तरह से, कि भाई जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो, वो कंडक्टर। और दूसरा क्या, इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या होगा, भाई हाई रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इंसुलेटर में क्या होगा, हाई होगा। बेसिकली जनरली हम रेजिस्टेंस के हिसाब पे नहीं करते हैं, मैं किसी एक अलग फैक्टर है रेजिस्टिविटी उसके हिसाब पे करते हैं, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे समझ लो कि जनरली दो अगर आपको मटेरियल दे दी जाए तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो इंसुलेटर होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो क्या होगा, कंडक्टर होगा, ठीक है। ये बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ आपका रेजिस्टेंस। अब जो मटेरियल
वो मटेरियल जो कि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है, उनका क्या बोल देते हैं, रजिस्टर। जैसे कि ह्यूमन को क्या शो करना चाहिए, ह्यूमैनिटी, तो रेजिस्टेंस, रजिस्टर जो अगर मैं बोलूँ ये रजिस्टर है तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, रजिस्टेंस, ठीक है, रजिस्टर्स में होगी रजिस्टेंस, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट पर। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है बच्चों ओम, OHM, ये वाला ओम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा ओम है, OHM, ये एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया ओम, और इसका सिंबल क्या है, ये इसका सिंबल है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, ये सिंबल है ओम का, और ये क्या उसका, या तो उसका सिंबल की फॉर्म में लिखो या से ये लिख दो OHM लिख दो, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ओम। तो वन ओम का मीनिंग क्या है, वन ओम का मीनिंग है, फॉर्मूला देखो, V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो R क्या हो जाएगा, V अपॉन I, मीनिंग क्या, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर इक्वल टू क्या होगा, 1 ओम होगा, ठीक है। ठीक, अब हम देखते हैं कि ओम्स लॉ जो अभी मैंने बोला कि बाद में देखेंगे थोड़ा सा, तो ओम्स लॉ को थोड़ा सा देखते हैं एक बार दोबारा से। देखो अगर ये यहां पे मैंने एक रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, और ये एक बैटरी है, समझ पा रहे मेरी बात को, ये एक बैटरी 20 वोल्ट की, इसमें करंट जा रहा है आई, इसमें कितना करंट जा रहा है, आई जा रहा है करंट, तो 20 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है किसमें, इसके अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस, और इस सेकंड में करंट जा रहा है आई, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई जो आर है रजिस्टर की वैल्यू कितनी आर, इससे एक फॉर्मूला जनरेट होगा वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको, आप सपोज करना दो रजिस्टेंस है, एक आर वन और एक आर टू, और बैटरी लगाई मैंने 20 वोल्ट की, ठीक है, इस तरह से रजिस्टर लगा दिया मैंने, और इस पूरे में क्योंकि सेम वायर है, क्या बोला था मैंने, करंट सेम होगा, करंट जा रहा है आई, ठीक है। तो ये अगर मैं बैटरी एक वोल्ट मीटर लगाता हूँ बैटरी के अक्रॉस, तो मुझे कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, मुझे मिलेगा वी, कितना वोल्टेज मिलेगा, वी वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। अब मैंने वही वोल्ट मीटर अगर पहले वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दिया तो कितना वोल्टेज मिलेगा, वी वन, और दूसरे वाले के अक्रॉस लगा दिया कितना वोल्टेज मिलेगा, वी, ठीक है। तो वी वन की वैल्यू क्या होगी, वी वन की वैल्यू होगी भाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है कि वी की वैल्यू होती है करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, तो अगर वी वन बोलूंगा तो इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें से कितना करंट जा रहा है आई, और इसका रेजिस्टेंस कितना है आर वन। सिमिलरली अगर मैं वी टू की बात करूंगा तो वी टू कितना आएगा, आर टू में से कितना रेजिस्टेंस जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, सेम करंट जा रहा है पूरे में आई, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, हाँ, तो ये होता है ओम्स लॉ का यूज, कि आपको किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट पता हो और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो तो आपको पता लग जाएगी उसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा ओम्स लॉ। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रिकल सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिकल सिंबल कैसे होता है, रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिकल सिंबल जो भी मैं इस तरह से बॉक्स बना रहा हूं, एक्चुअली बॉक्स नहीं होता ये वायर, जो मैंने ऐसे लिखा रजिस्टर,
इसका सिंबल होता है एक्चुअली आपका, ये गया, जिगजैग पाथ, और ये रेजिस्टेंस सिंबल क्या होता है, ये जहां भी आपने अगर रेजिस्टेंस बनाना है तो आप इसके बॉक्स में रेजिस्टेंस नहीं लिखोगे, आपको सिंबल बनाओगे, और सिंबल क्या होगा, एक जिगजैग पाथ हो जाएगा, वही रेजिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे किसकी, एक टॉपिक बच गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या चीज, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा भाई क्या, ये गया रेजिस्टेंस, यहां पे एक नॉब लगा दो, वही पॉइंटर टाइप का, कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कम ज्यादा कर सकते हैं, या फिर एक दूसरे का होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का, यूएसटी, इसका मीनिंग होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, उसका सिंबल कैसा होता है, ये गया और यहां पर आता है एक पॉइंटर। ठीक है, तो अगर आपको रेजिस्टेंस कम चाहिए तो आप इस पॉइंटर को जीरो पे कर दोगे, अगर आपको रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो आप इस पॉइंटर को आगे ले जाते जाओगे, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। और जो हमने देखा, क्या देखा भी हमने, हमने देखा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या देखा, ओम्स लॉ में हमें मिला वी इक्वल टू आई आर, तो इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग था वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको कि ओम्स लॉ होता क्या है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये एक्चुअल ओम्स लॉ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक्चुअल ओम्स लॉ। तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, एक तरफ आपका वोल्टेज होगा, एक तरफ आपका करंट होगा, आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे और आपका करंट बढ़ता जाएगा इस तरीके से। तो अगर ग्राफ आता है ओम्स लॉ का, वो क्या होता है, वो ये होता है, आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ, आपका करंट बढ़ता जाएगा। और आपको इस ग्राफ से अगर पूछ लिया जाए, क्या आपको इस ग्राफ से पूछ लिया जाए, बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कुछ नहीं होगा, आप किसी भी पॉइंट पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, सपोज करो वर्टिकल लाइन आई आपके 20 वोल्ट पर, और ये वाली लाइन आई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ करी, वो आई करंट में कहां पे, 10 एम्पीयर पर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस होता है हमारा, हमें पता है वी अपॉन आई, तो आप 20 इसको डिवाइड कर दो किससे, 10 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर ग्राफ दे रखा है तो आप ये बता सकते हो, इसलिए समझ पा रहे मेरी बात को, तो ये क्या है, ओम्स लॉ का ग्राफ। ठीक है, हाँ जी, चलिए एक बार टाइम देख लेते हैं, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया, ओहो 28 मिनट्स हो गए हैं अभी ओम्स लॉ में। ठीक है, चलिए कोई नहीं, थोड़ी से इसको लेंदी कर देते हैं, एक टॉपिक और बताया जो मुझे कराना है इसमें, वो है आपका रेजिस्टिविटी, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, वो कराई देते हैं, ज्यादा अलग अलग पार्ट नहीं बनाते, ताकि आप एक बार अगर बैठो पढ़ने के लिए तो आप एक टॉपिक खत्म करके उठो, तभी मजा आता है पढ़ने में, वरना 10-10 मिनट की वीडियो में कुछ फायदा नहीं होता पढ़ाई में, 10 मिनट की वीडियो तो वही टिकटॉक पर बनती थी, नहीं टिकटॉक पर तो 30 सेकंड की बनती थी, 10 मिनट की वीडियो बनती है यूट्यूब पर, किसमें, जनरल फनी वीडियोज होते हैं, लेकिन ये फन तो है पढ़ाई, लेकिन थोड़ा इसमें कॉन्सेंट्रेट भी चाहिए होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, ये आपकी हेडिंग है, क्या हेडिंग है, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस
किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो भी आपने जनरली जो भी वायर देखे, क्या देखे आपने, वायर देखे, कैसे वायर देखे, किस तरह के शेप के वायर देखे आपने, देखे एक सिलेंड्रिकल शेप के, जितने ही वायर आते किस शेप के आते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के आते हैं, इतने बड़े नहीं होते, इतने मोटे नहीं होते, लेकिन पतले पतले में उसका शेप सिलेंडर ही होता है। ठीक है, तो सपोज करते हैं ये एक वायर है, इसका एरिया था क्रॉस सेक्शन, रेडियस था ए आर, और इसका एरिया है, ये है इसका एरिया, इस वायर का एरिया ये है, और इस वायर की लेंथ है इसकी एल। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? पहली बात तो जो रेजिस्टेंस है वो हो सकता है, कितने फैक्टर है इसमें, एक तो लेंथ वाला फैक्टर है, एक एरिया वाला फैक्टर, दो दो ही फैक्टर है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा आपका एक तो लेंथ पर, ठीक है, डिपेंड अपॉन लेंथ कॉमा एरिया, इन दो चीजों पर डिपेंड करेगा। अब जब कोई चीज डिपेंड करती है किसी चीज के ऊपर, तो दो चीज हो सकती है, या तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या फिर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सिंपल वे में। तो आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक अगर रोड है, एक गली है, ठीक है, एक गली है, उसमें से उसमें क्या है, उसमें अभी रोड बना हुआ नहीं है, उसमें रोड बेकार है, मतलब पत्थर पत्थर ऐसे पड़े हुए हैं, और आपको उस रोड से जाना है, उस गली से निकलना है, तो गली जितनी ज्यादा लंबी होगी उतनी ज्यादा देर लगेगी आपको उस गली से निकलने में। गली छोटी है तो आप जल्दी निकल गए, गली लंबी है तो आपको टाइम लगा। ठीक है, तो मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि अगर रेजिस्टेंस छोटा है, रेजिस्टेंस की लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम है, अगर रेजिस्टर की लेंथ ज्यादा है, वायर की लेंथ ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा उस बेकार वाले पाथ से कवर करने में। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर लेंथ, अगर ये वायर मान के चलो ये बीच बीच में पत्थर है यहाँ पे, और किसी इलेक्ट्रॉन को जाना है, ठीक है, तो किस में ज्यादा टाइम लगेगा, इस वाले में से सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का एक और वायर, लेकिन अब पत्थर की, अब जो वायर है वो लंबा कर दिया, तो आप ही बताना किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इस वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम तक, ज्यादा लेंथ तक उसे उस बेकार पाथ पे चलना पड़ रहा है। तो मीनिंग क्या, हमें पता लगा कि रेजिस्टेंस जो होती है आर, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से, तो अगर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं अगले फैक्टर में। अगला फैक्टर क्या होता है, अगला फैक्टर होता है आपका एरिया। तो जी एरिया क्या होता है, अब देखो ये है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सर्कल वाला एरिया। अब एरिया अगर कम है, क्या चीज, एरिया कम है तो क्या होगा, और एरिया ज्यादा है तो क्या होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक रोड जो कि पतला रोड है, दूसरा रोड क्या है, खुला हुआ रोड है, एक रोड पतला है, एक रोड खुला हुआ है, तो जो पतला रोड है उस पे जाने में, उस पे अगर आप जाओ तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर खुला हुआ रोड है, हाईवे, काफी बड़े बड़े हाईवे होते हैं, ट्रैफिक होता भी है, लेकिन फिर भी वो हाईवे बहुत तेजी से चल रहे होते हैं, हाईवे पर लोग बहुत तेज चल रहे होते हैं, लेकिन अगर वही पतला रोड हो जाए तो क्या होता है, लोगों को चलने में प्रॉब्लम हो जाती है, ट्रैफिक जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो मीनिंग क्या, मीनिंग है कि अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और एरिया कम है अगर तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, पतला हो गया ना, यही वायर अगर पतला हो जाए तो क्या होगा, रेजिस्टेंस पतला हुआ, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, और यही वायर अगर बड़ा हो जाए, खुला खुला हो गया सब कुछ, इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिला? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है जी, इतनी बात हमें क्लियर हो चुकी है कि रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ अपॉन एरिया के। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए यहां पे एक सिंबल लाते हैं, वो क्या होता है? रो। इसे क्या बोलते हैं? आर एच ओ, रो एल अपॉन ए। और ये एक्चुअली होता क्या है? रो इज द प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट। वो क्या है हमारा? प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और रो है क्या? विच इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भी? रो की एसआई यूनिट क्या होती है? देखो जरा, आर क्या है? रो एल अपॉन ए। आर कैसा यूनिट? ओम। लेंथ कैसा यूनिट? मीटर। एरिया कैसा यूनिट? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मीटर क्या? तो रो की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर ऊपर आ जाएगा सर, ओम मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ रो मींस रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है, तो ये क्या आपकी रेजिस्टिविटी क्या है? ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है भी। रेजिस्टिव ये देखो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या होता है, आपको बता दूं कहीं क्या होता है, बच्चों को समझ में आता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या होता है। फिजिक्स में जब भी किसी भी प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाना होता है तो वहां पे हमें कॉन्स्टेंट डालते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट। इतनी सी बात। अब ये प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट जो होता है ना, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा ग्रेविटी वाले चैप्टर में, 9th क्लास में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या था? कैपिटल जी। ठीक है, 9th क्लास में था, आई थिंक 9th क्लास में नहीं पढ़ा होगा आपने, तो मेरे मतलब ध्यान सुनना। कभी भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल के सिंबल हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, अभी कुछ देर पहले यूज करा था आर, याद है? रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या यूज करा? रो। तो ये साइंटिस्ट वाला कमाल है, उन्हें वो एक्सपेरिमेंट करके पता कर लेते कि यहाँ पे कौन सा कॉन्स्टेंट आएगा। तो ये आपको नहीं सोचना कि कौन सा आएगा, जो आया है वो ही है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस रेजिस्टिविटी के बारे में कि रेजिस्टिविटी का कमाल क्या है। देखो जी, जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी बड़ी अच्छी चीज है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही एक्चुअली सेम चीज है। रेजिस्टेंस में भी रेजिस्ट वाला वर्ड आता है, रेजिस्ट वाला की रोकने वाला। रेजिस्टिविटी में भी वही वर्ड आ रहा है, रेजिस्ट वाला। दोनों का काम सेम है, लेकिन दोनों का समझने का तरीका अलग है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो रेजिस्टेंस क्या है? रो एल अपॉन है। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। रेजिस्टेंस क्या है? रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टिविटी क्या है? देखो रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के चेंज होने से चेंज होता है। लेंथ बढ़ा दी, रेजिस्टेंस चेंज। एरिया कम कर दिया, रेजिस्टेंस चेंज। तो एक ही वायर, लेंथ बढ़ा दो रेजिस्टेंस चेंज जाएगा, एरिया कम कर दो रेजिस्टेंस चेंज जाएगा, एरिया बढ़ा दो रेजिस्टेंस चेंज जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है एक्चुअली, समझ पा रहे मेरी बात को? रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट नहीं है। उसका लेंथ बढ़ा दिया रेजिस्टेंस चेंज, एरिया बढ़ा दिया रेजिस्टेंस चेंज। तो इसीलिए हमको जरूरत पड़ी यहाँ पे रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी क्या है? नाम से पता चल रहा है, रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज द कॉन्स्टेंट। अभी देखा ना, प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट। रेजिस्टिविटी क्या है? एक कॉन्स्टेंट चीज है। ठीक है, जो कि कॉन्स्टेंट
कॉन्स्टेंट फॉर एनी मटेरियल, हर मटेरियल के लिए कॉन्स्टेंट होती है, हर मटेरियल के लिए क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। जैसे कि आयरन की रेस्टिविटी अलग होगी, आयरन को आप छोटा कर लो, बड़ा कर लो, चपटा कर लो, रेस्टिविटी सेम रहेगी। कॉपर को पतला कर लो, वायर में ड्रॉ कर लो, बॉक्स बना दो कॉपर का, ठीक है, रेस्टिविटी क्या होगी, हमेशा सेम रहेगी। रेस्टिविटी इज लाइक सिमिलर टू डेंसिटी, इसकी डेंसिटी होता है। आप किसी मटेरियल को किसी भी सिम में कर दो, उसकी डेंसिटी सेम रहती है, सिमिलर टू डेट। रेस्टिविटी सेम पर डिपेंड नहीं करती, आप किस तरह से जाओ तो रेस्टिविटी क्या होगी, उसकी सेम रहेगी। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अभी वो एक्चुअली काला हो गया, थोड़ा साफ करने के लिए मुझे पुराना सिम मिटानी पड़े, लेकिन कोई बात नहीं। तो रेस्टिविटी क्या थी, रेस्टिविटी थी मटेरियल कांस्टेंट, जो कि उसके शेप पर डिपेंड नहीं करती। तो अगर आपको दे दी जाए रेस्टिविटी, क्या दे दी जाए, रेस्टिविटी आपसे पूछ लिया जाए, क्या बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस दे दी जाए और पूछ लिया जाए बताओ रेस्टिविटी क्या होगी। तो अगर रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है और आपसे पूछ लिया जाए कि रेस्टिविटी क्या होगी, बताओ कैसे निकालोगे आप रेस्टिविटी, आप उसका रेजिस्टेंस लोगे और इस फॉर्मूले पुट करोगे, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए में। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए अपॉन एल, आपने उसका रेजिस्टेंस निकाला, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाला और लेंथ निकाली, फॉर्मूले पुट करा, रेस्टिविटी मिल गई। तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस फॉर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो मीनिंग क्या है, अगर आप एरिया की वैल्यू कर दो 1 यूनिट और लेंथ को भी कर दो 1, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा रो इज इक्वल टू आर 1/1, मीनिंग क्या, रो इज इक्वल टू आर। तो अगर एरिया और लेंथ 1 1 मीटर की है, 1 1 यूनिट की है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वही क्या होगा, हमारा रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो रेजिस्टिविटी के विभाव पे क्या चीज, रेजिस्टिविटी के विभाव पे चीजों को क्या करा गया, डिस्क्राइब किया करा गया, और तीन तरह के आपको मिले एलिमेंट्स। मैं बताता हूं क्या, पहला था आपका टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू रेजिस्टिविटी। अगर हाई रेजिस्टिविटी है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम इंसुलेटर, क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, और क्या हो गया, वुड हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, हाई रेजिस्टिविटी के, प्लास्टिक कॉमा वुड, ठीक है। और लो रेजिस्टिविटी है तो उसको बोलेंगे हम कंडक्टर, लाइक कॉपर या फिर एल्यूमिनियम या फिर गोल्ड या फिर सिल्वर, ये किसके एग्जांपल है, लो रेजिस्टिविटी के। तो जो भी कंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, जो भी इंसुलेटर उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि जो आपका बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें आपने देखा होगा कुछ इस तरह से फिलामेंट होता है, इस तरीके से। तो ये फिलामेंट है, ये किसका बना होता पता है, टंगस्टेन का, और इसकी रेजिस्टिविटी होती है हाई, जिसकी वजह से ये हीट होता है,
तो जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, हीट होता है अगर वो कंडक्टर है तो, ठीक है जी। और दूसरा क्या आपको बताऊं, अगर मैं एक मटेरियल है, नाम क्या है उसका, कांस्टेंट टेन, कांस्टेंट टेन, इट इज ए अलॉय ऑफ निकल एंड कॉपर, कॉपर और निकल का एलॉय है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट जो मटेरियल है कहाँ यूज होता है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, वेरी हाई रेजिस्टिविटी, और ये कहाँ यूज होता है आपका, प्रेस में, आयरन जो होता है या फिर हीटर, इन सब में क्या होता है, ये यूज होता है, ठीक है। चलो तो ये पार्ट थ्री के लिए इतना काफी है, इसका आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पार्ट फोर में, और वो क्या पढ़ेंगे, वो उसमें पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज पैरेलल, ठीक है। और थोड़ा सा पढ़ लेंगे हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तब तक के लिए गुड बाय, चलो जी।